मर्त्य जगत में आए, घर घर में गए नारद, सबसे पूछा सब ठीक ठाक हो, कुशल मंगल हो, सबके सब तक मुंडी हिलाया है। लेकिन जब अंदर की बात पूछे ना, देखा जगत में कोई भी अच्छे नहीं, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई बीवी से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई बेटा से दुखी, कोई बहू से दुखी, कोई नानद से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, कोई पैसा से दुखी, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई बिजनेस से दुखी, कोई धंधा से दुखी, दुखी दुखी होगी नहीं। कोई जगत में बोल सकता है हमने जगत में सुखी है? इसलिए जिसने ये दुनिया बनाया ना, भगवान खुद कहते हैं ये संसार दुखाल है, ये दुख का घर है, ये दुख का केवल घर ही है। हम क्यों संसार में आए? सुख भोगने के लिए नहीं आए हो? पूर्व जन्म का कर्म का फल भोगने के लिए आए? उन्होंने जो पाप कर्म किया है, ये दुर्गा ने ये दुर्ग बनाया, ये जेल बनाया, ये जेल में दंड भोगने के लिए हम आए, कर्म का फल भोगने है। इसलिए नारद जी घर घर में जा करके देखा, सब दुखी दुखी। उन्होंने वैकुंठ में पहुंचे, देखा भगवान अनंत नाग भर शयन किए हुए, मैया लक्ष्मी चरण सेवा कर रही है, ब्रह्मा शंकर स्तुति कर रहे हैं और भगवान मीठी मीठी मुस्कुरा रहे हैं। इतने में श्री नारद जी बोले, प्रभु ये दुनिया को तो तुमने बना दिया और तुम वैकुंठ में आनंद में मुस्कुरा रहे हो, हैं? यहाँ पर आनंद में अनंत नाग भर शयन किए हुए हो और सारा दुनिया संसार बनाया दुखी दुखी दुनिया, दुनिया ये दुखी दुखी है। बोले बताओ क्या करनी चाहिए? बोले प्रभु जब तक ये जीव तुम्हारी शरण में नहीं आएगा, जब तक ये जीव तुम्हारी शरण में नहीं आएगा, कभी जीवन में सुखी हो ही नहीं सकता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पीछे बात मत करो, ऐ माता है पीछे बैठकर बात मत करो, इधर सुनो। इसलिए श्री नारद जी कहते हैं, बोले प्रभु बोले राम विमुख कभी सुख नहीं पावा। मतलब है भगवान से विमुख होकर के तुम्हारी बात किया, तुमने कितने पैसा कमाओगे? रावण के पास में सोने की लंका, तुम्हारे पास में कितने बताओ, सोना कितना होगा? 1 किलो होगा, 2 किलो होगा, 3 किलो होगा, 10 किलो होगा, उससे ज्यादा तो सोना नहीं होगा ना। रावण का पूरा लंका ही सोना है, उनका बेडरूम सोना, बेड भी सोना, किचन रूम सोना, उसकी बाथरूम सोना, उसको पायखाना सोना, सब सोना सोना, सबके सोना 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 है। लेकिन इतने हो कर भी जीवन में सुखी उसको नहीं मिला। पत्नी का नाम, रावण का पत्नी का नाम क्या पता है? जानते हो मंदोदरी मतलब क्या होती है? तुम्हें पता है मंदोदरी का क्या मतलब होता है? मंद मतलब होता है पतली, उदर मतलब जिसकी कमर बड़ी पतली थी, मतलब इतने सुंदरी उस समय वो मिस वर्ल्ड, उस विश्व सुंदरी थी उस समय, वो विश्वकर्मा की बेटी, वो साधारण बेटी नहीं थी, विश्वकर्मा ने अपना बेटी को बनाया, रावण उसको सुंदर देख कर शादी किया था। हाँ, इतने बेटा मेघनाथ जैसे उसको बेटा है, हैं? इंद्रजीत जैसे बेटा। इधर आ जा बाबा, इधर आ जा। इसलिए घर में किसी चीज की घर में कमी नहीं थी, घर में हर चीज घर में भरपूर थी उसकी, लेकिन बेचैन सा था। इधर आ, सामने आ जा। वो संसार में बेचैन सा था, हाँ, रावण बेचैन सा था, लेकिन रावण में लंकापुर में एक व्यक्ति केवल चैन से जी रहा था और सब बेचैन से थे, कोई सुखी नहीं थे। आप बता सकते हो लंका में कौन चैन से सो रहा था, चैन से जिंदा रह रहा था और सब कौन था? हाँ, विभीषण। बोले क्यों? चूंकि भगवान की शरण में आया था, राम की भक्ति करता था, इसलिए केवल वही एक व्यक्ति चैन से था और बच्चा भी केवल वही, और सब खत्म, लंका समेत जल करके खत्म हो गया, केवल एक ही व्यक्ति बच गया। कौन है? विभीषण बच गया। बोले क्यों? चूंकि वो प्रभु का राम की शरण में आ गया। शिक्षा देते हैं, जब तक प्रभु की शरण में नहीं आओगे ना, तब तुम बच ही नहीं सकते हो। तभी बच्चों के जीवन में सुख मिलेगा जब प्रभु की शरण में आ जाओगे। इसलिए श्री नारद जी कह रहे हैं भगवान को, बोले प्रभु
भगवान से विमुख होकर के जगत में किसी को भी सुख नहीं मिला है। वही सुखी जो जितने प्रभु की भजन में लगे, प्रभु की भक्ति करे, प्रभु की भजन में मन लगाते उतना समय सुखी, और सब बेचैन से बेचैन से है। भगवान ने कहा बताओ क्या करना चाहिए। बोले प्रभु जब तक तुम्हारी भक्ति नहीं करेगा, सेवा नहीं करेगा, तो उसका तो कल्याण होगा नहीं, उसको उधार नहीं होगा। इसलिए काम करो, ये बैकुंठ से थोड़ा नीचे उतर कर जा। भगवान बोले बैकुंठ से नीचे उतर। बोले ठीक है। बोले एक रमा बैकुंठ है, एक तो बैकुंठ ब्रह्मांड के बाहर, एक रमा बैकुंठ। बोले वहां पर तो मैं हूँ। बोले प्रभु आपको कौन देखा है, रमा बैकुंठ कौन जानता है, कोई जानते नहीं, इसलिए और थोड़ा नीचे उतर। भगवान बोले स्वर्ग में भी मैं एक स्वरूप में हूँ, कहते श्री बामन का, कहते श्री इंद्र का छोटे भैया उपेंद्र, श्री बामन देव। बोले मैं स्वर्ग में भी एक रूप में हूँ। बोले स्वर्ग कुछ ने देखा है, स्वर्ग देखे हो, हमने सुना है स्वर्ग नाम का कोई एक स्थान, लेकिन हमने स्वर्ग को ही नहीं देखा है। बोले प्रभु किसने देखा स्वर्ग, थोड़ा और आओ नीचे आओ, तब जीव आपको सेवा करेगा, भक्ति करेगा। भगवान बोले सबका हृदय में मैं हूँ, कहते ना भगवान परमात्मा रूप में सभी के हृदय में। बोले एक वृक्ष है, एक वृक्ष में दो तोते बैठे हैं, एक तोता तो खट्टा मीठा फल खा रहा है और एक तोता केवल साखी रूप में देख रहा है। बोले भैया वो खट्टा मीठा फल को कौन खा रहा है। बोले ये जीवात्मा, कभी दुखी कभी सुखी, कभी दुखी कभी सुखी। बोले उसमें एक तोता केवल देख रहा है, केवल साखी रूप में। कहते वो तोता कौन है, कहते ये परमात्मा। आत्मा तो कभी दुखी सुखी, वो परमात्मा वो केवल देख रहे हैं, ये जीव कैसे मेरे को भूल करके कभी सुखी हो रहा है, कभी दुखी हो रहा है, कभी सुखी हो रहा है, कभी दुखी हो रहा है। बोले मैं सबका हृदय में हूँ। बोले प्रभु सभी का हृदय में तो आप हो, लेकिन वो तटस्थ रूप में आप कोई नहीं जानता है, किसमें इन्वॉल्व नहीं होते हो। प्रभु थोड़ा और नीचे उतर, जीव का कल्याण करो। जब बोले इतने में भगवान स्वयं घर में, जब लड्डू गोपाल ना कौन सा ठाकुर जी आज आए थे, लड्डू गोपाल जी है, किसी घर में लड्डू गोपाल जी है, किसी घर में जुगल सरकार है, राधा कृष्ण है, किसी घर में सीताराम है, किसके घर में लक्ष्मी नारायण है, हैं? तब भगवान जीव को कल्याण करने के लिए गोपाल जी रूप में आए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं घर में जो गोपाल है ना उसको कोई अष्टधातु मत समझो, को भगवान साक्षात। वो कौन है, कहते भगवान साक्षात है, हैं? वो साक्षात रूप में ठाकुर जी है। लेकिन देखो भगवान को हमने देखा ही नहीं, भगवान को छू नहीं सकते, भगवान से बोल नहीं सकते, भगवान को खिला ही नहीं सकते, लेकिन भगवान जीव को ऊपर में कल्याण करने के लिए ऐसे गोपाल रूप में, लड्डू गोपाल रूप में आ गया। जब इच्छा ठाकुर को देख लो, है ना, जब इच्छा ठाकुर को भोग लगा दो, ठाकुर जी का हाथ में लग करके स्नान कराते हैं, ठाकुर को श्रृंगार कराते हो, ठाकुर जी को भोजन कराते हो, जब इच्छा हो ठाकुर जी के गर्म लगे तो ठाकुर जी को थोड़ा हवा कर लो, पंखा झुला दो ठाकुर जी को, पंखा झुला दो ठाकुर जी को। इसलिए महाप्रभु कहते हैं विग्रह न तुम्हें साक्षात परजन नंदन, वो गोपाल नहीं वो साक्षात भगवान है। हमारे संप्रदाय में एक संत हुए, ब्रज में भजन करते थे, जब भजन करते थे उनको स्वप्न दिया, देखो मैंने ये कुंड में पड़ा हुआ हूँ मेरे को निकालो। वो संत जब पानी में डुबकी लगाए ना, बड़े सुंदर ठाकुर जी निकले, उनका हाथों में अपनी आभा है। जब आए ना वो ठाकुर जी बात कर रहे हैं, बोले बड़े दिनों से मैं पानी में पड़ा हुआ था, मेरे को भूख लग रहा है, थोड़ा खाने की व्यवस्था करो। तो उन्होंने रोटी सब्जी बनाई, जब ठाकुर को भोग लगाए, बोले बगैर चाटनी से स्वाद आता है, थोड़ा चाटनी तो बना कर दे, भगवान बोलते थे उनसे, थोड़ा चाटनी तो बना करके मेरे को दे। वो संत कहाँ से भैया चाटनी लाएंगे, इमली पत्ता है ना कोमल कोमल इमली पत्ते को उन्होंने चाटनी बनाया और उसमें नमक देकर ठाकुर जी को भोग लगा, ठाकुर जी खा लिए। बोले बड़े दिन से मेरे को नींद नहीं आई, थोड़े से मेरे को इसलिए सोने का व्यवस्था कर। तो उन्होंने सुंदर सुंदर फूल तोड़ करके लाए, फूल की सज्जा बनाए, ठाकुर को सुलाए। बोलते प्यार में प्यार दुग रहा है, इतना तो प्यार दबा दो। तो वो संत ठाकुर जी को प्यार दबाया, बोले देखो वो बड़ी गर्मी, नींद नहीं आ रही, थोड़ी सी पंखा चला दो। तो उन्होंने थोड़ी सी कोमल कोमल पत्ते लाए और ठाकुर जी को
तनखा चला, अरे ठाकुर जी चैन से सो, ठाकुर जी सो गए। इसलिए ठाकुर जी को साधारण सिल्वर मत समझो, अष्ट धातु मत समझो। इसलिए कहते ना, कोई कहते हैं भगवान सोते नहीं, बोले मैया जसोदा जैसे तुम लाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं, बोले सबर के जैसे तुम खिलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान आते नहीं, बोले द्रौपदी जैसे तुम बुलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान नाचते नहीं, बोले ब्रज गोपियां जैसे तुम नचाते नहीं। भगवान सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर हम ऐसे भक्त बनेंगे ना, ठाकुर जी हमारे लिए सब कुछ ठाकुर जी करेंगे, सब कुछ ठाकुर जी करेंगे। इसलिए नियम है ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी चाहिए। ध्यान देकर सुनो घर के बहू, ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी चाहिए। बोले आत्मव्रत। आत्मव्रत मतलब जैसे गर्मी का समय, गर्मी का समय थोड़ा ठंडा चीज अच्छी लगती, ऐसे नहीं ठाकुर जी को गर्म गर्म चीज देते हैं, नहीं, ठाकुर जी को थोड़ी ठंडा चीज है। जैसे ठाकुर जी को, जैसे इसी समय में हम मोटे कपड़े नहीं पहन सकते, पतले कपड़े, पतले साड़ी पहनते हैं। ऐसे नहीं स्वयं तो पतले साड़ी और ठाकुर जी को मोटे मोटे कपड़ा पहनाते, नहीं ऐसे नहीं। ठाकुर जी को भी सुंदर एकदम पतले पतले ड्रेस पहनानी चाहिए। जैसे रोज हम भी स्नान करते हैं और रोज रोज ड्रेस बदलाते हैं, ऐसे नहीं ठाकुर 10 दिन से एक कपड़ा पहन कर बैठे हुए और हम 3 में 2 बार ड्रेस बदला रहे, 2 बार ड्रेस नहीं। रोज ठाकुर को स्नान कराओ, रोज उसका जो चरणामृत खुद खाओ, बच्चों को खिलाओ। इसलिए शास्त्र में कहते हैं अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादव विद्वाश्र साधारण। मतलब है जो व्यक्ति ठाकुर जी की चरणामृत को पान करते हैं, जो अकाल जो मृत्यु ये खत्म हो जाता है, हाँ सब रोग दूर हो जाता है, जीवन का सारे क्लेश खत्म हो जाती है, सारे क्लेश खत्म हो जाती है भगवान को चरणामृत लेने से। ठाकुर जी के लिए ऐसे नहीं बोले ना ठाकुर का 10 सेट कपड़ा है, कोई नया कपड़ा लेने का जरूरत नहीं, नहीं। जैसे आज ठाकुर जी घर में आए, ठाकुर जी के लिए नया वस्त्र लाए कि नहीं, हाँ। जैसे अपना बच्चे का हम बर्थडे मनाते मनाते कि नहीं, उसके लिए नया कपड़ा लाते हैं, उसके लिए नया सामान लाते हैं, उस तरह ठाकुर जी के लिए भी नया वस्त्र लाने चाहिए। रोज ठाकुर जी को ये मत समझो, ठाकुर का 10 सेट की जरूरत नहीं, लेकिन अपना अलमारी देखो कितना साड़ी रखे हो, अपना अलमारी में देखो कितना साड़ी रखे हो, हाँ। इसलिए भगवान को दोगे ना, भगवान 100 गुना करके देते हैं, ठाकुर जी 100 गुना करके देते हैं। भगवान की अंगुल कट गया, वहां द्रौपदी थी, कृष्ण का और भी पटरानियां थी, अंगुल कट गया तो क्या करोगे, बैंडेज करोगे ना। अभी वहां पर सब जितने रुक्मिणी सत्यभामा जो एक एक साड़ी पहनी हुई ना, करोड़ों करोड़ रुपया की सोने की जरी की एम्ब्रॉयडरी का काम है, अभी क्या करे क्या करे, सब सोच रहे हैं इतने कीमती साड़ी को कैसे फाड़ दे। वहां पर द्रौपदी भी थी, वो भी राजरानी, लेकिन उसने अपना साड़ी को नहीं देखी, भगवान देखते देखते सामने साड़ी को फाड़ दी, फाड़ करके भगवान के अंगुल में बैंडेज कर दी। भगवान रीझ गए, कब इसकी ऋणी में कब चुका, इसके ऋणी में कब चुकाऊं, मेरे लिए अपना इतने कीमती साड़ी को नहीं देखा। भगवान सोच रहे थे कब समय आए उसका ऋणी चुकाओ, कब ऋणी चुकाओ। जब हरि सभा में लाज जा रही थी, द्रौपदी ने भगवान को बुलाया तो ठाकुर जी वस्त्र बन करके आ गए, उसका शरीर में लपट गए, 10,000 हाथी का ताकत खत्म नहीं हुआ है, 10,000 हाथी का ताकत समाप्त तो हो गई, लेकिन 10 गज साड़ी खत्म नहीं हुआ। दुनिया देख रहे थे ये साड़ी की कोई नारी ना, नारी बीच कोई साड़ी है। भगवान के लिए करोगे ना, और इतना करोगे तो वो इतना करेगा, लेकिन दुनिया के लिए करोगे तो दुनिया कुछ भी देने वाले नहीं। हम कोशिश कर रहे हैं दुनिया को खुश करने के लिए, अभी संसार में सबका सेवा कर रहे हैं, आप बताओ किसी को अभी तक खुश कर पाए संसार में, नहीं। आप बताओ, नहीं। कोशिश कर रहे हैं इनको हम खुश करें, अभी तक किसको खुश कर पाए संसार में, थोड़ी सी अगर भूल चुक हो जाएगी ना, देखेगा नहीं जिंदगी भर उसने किया, बोले तुम मेरे लिए क्या किया, जिंदगी भर तुमने किया उसको, लेकिन थोड़ी सी कोई पान से चून अलग होगी ना, थोड़ी सी झट बोलेगा मेरे लिए तुमने क्या किया। लेकिन भगवान ऐसे नहीं, इतने उनके लिए करो सुदामा, 2 मुट्ठी चिड़वा दिया, प्रभु त्रिभुवन का राज्य दे दिया उनको,
त्रिभुवन की राज्य दे दिया, ठीक है ना। करना तो ठाकुर जी के लिए करो, बहू जी सुनो ध्यान देख करके, इसलिए रोज ठाकुर जी को, ठाकुर जी को रोज स्नान करना, उसका चरणामृत लेना है, और ठाकुर जी को बढ़िया बढ़िया वस्त्र, ठाकुर जी को अच्छे अच्छे वस्त्र लेना। देखो वृंदावन में अभी 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 जो अधिक महीना एकादशी में एक माता जी ने सती छोड़ा, उनकी कथा सुना। वो माता जी दिल्ली में रमेश नगर एक वहीं पर रहते थे, उसका एक दो बेटा विदेश में भी रहते, पास में भी एक दो बेटा रहते थे, बच्चे लोग मैया के लिए कुछ पैसा भेजते थे, लेकिन वो माता जी कभी अच्छी साड़ी कभी नहीं पहनी। हमने जो देखा, वो बच्चे जो पैसा देते ना हाथ खर्चे के लिए, वो पैसा को रख लेते थे, और वो महीना में एक बार आती थी वृंदावन, आकर के सारे संतों को बुलाए, स्वयं बहुत कढ़ी बना, अच्छी कढ़ी बनाया करती थी माता जी, बहुत बढ़िया कढ़ी बनाती थी, अपना हाथों से कढ़ी बनवाएगी, और अच्छे से सब्जी सब ला करके बनवाएगी, और सारे संतों को बुलाएगी सब मंदिर से, और स्वयं बैठ करके सामने भोजन कराएगी, जो पैसा को अपना लिए खर्चा नहीं करती है, और करेगी, और सब संतों का उन्होंने प्रणाम देगी। और महीना में एक बार आती थी, जमुना में जाएगी 30 दिन के लिए, 30 गोता लगाएगी, कहते मैंने आ जाओ इधर आ जाओ, इसलिए 30 दिन के लिए उन्होंने 30 गोता लगाई, क्योंकि एक दिन के लिए एक गोता। और वृंदावन में जो राधा दामोदर मंदिर है, जो राधा दामोदर मंदिर में आकर के ना 30 परिक्रमा लगाई, रोज रोज का एक एक परिक्रमा लगाई, जानते हो कितने माला करती थी वो माता जी, 1,00,000 हरिनाम करती थी, 64 माला करती थी रोज, और सुंदर हारमोनियम बजाना जानती थी, उसको बड़ी सुंदर जुगल की सेवा थी, राधा कृष्ण की सेवा, ठाकुर को रोज अपना हाथों से, हमने जब देखा, जब अंतिम समय चल भी नहीं पाती थी तो टेबल ला करके सामने दोनों ठाकुर को श्रृंगार करेगी, स्नान पंचामृत से स्नान कराएगी, और जितना बार आएगी उतना बार नए नए ऐसे वस्त्र नहीं, सबसे कीमती वस्त्र, वहां पर एक वृंदावन में मंदिर है, सबसे कीमती वस्त्र को लेकर के जाएगी, बढ़िया वस्त्र लेकर जाएगी, हर महीना में एक एक ठाकुर जी के लिए वस्त्र लेकर जाएगी, बड़े कीमती वस्त्र लेकर जाएगी, ठाकुर को सामने बैठा करके हारमोनियम में ठाकुर को भजन सुनाएगी। आप सोच नहीं सकते हो, अपना जो अनुभूति की बात कभी कभी मेरे को बोलती थी, बोले ठाकुर मेरे साथ में कभी बोलते हैं, कहे तुमने ऐसे खाना क्यों खिलाया, ऐसे कपड़ा क्यों पहनाया, कभी कभी ठाकुर जी नाराज होकर कपड़ा पहनाने पर अपने आप खिसक जाते, बोले नहीं ये कपड़ा नहीं पहनेगा, दूसरे कपड़ा ला कर पहना, वो ऐसे बोलती थी, ठाकुर जी कभी रूठते हैं मेरे साथ में, ठाकुर जी ऐसे ऐसे अनुभूति बात बोलते हैं ना, मैं भी तंग रह जाता था उसकी कथा सुनकर के, 1,00,000 हरिनाम करते थे। देखो उसका मृत्यु कैसे हुई, ठीक एक दिन पहले एकादशी से अभी अधिक महीना में शरीर छोड़ी, एक दिन पहले मरने से एक दिन पहले मेरे पास में फोन आया है, बोले महाराज जी मेरा शरीर तो थोड़ा खराब है, बच्चे जाने नहीं दे रहे, मैं अब मंदिर के लिए मैं पैसा भेज रहा हूँ, सब वैष्णव के लिए बुला करके सभी के लिए प्रसाद, सारी वैष्णव को बुला करके मेरे नाम पर भंडारा करा देना, और सभी वैष्णव के लिए कुछ प्रणाम भी भेज रहा हूँ, सब वैष्णव के लिए सब प्रणाम देना संतों के लिए। एक दिन पहले मेरे को फोन की, अब दूसरे दिन एकादशी का दिन, बढ़िया दिन एकादशी, अधिक महीना, आधा घंटा अंदर में शरीर छोड़ दे, आधा घंटा अंदर में, हाँ मैंने जब फोन किया घर में, मेरे पता चला शरीर ही छोड़ दी, मैंने फोन किया बहू को, बोले महाराज जी, उसने बोली मेरे घबराहट हो रही है, हो सकता है मेरे को हॉस्पिटल में ले चलो, हम व्यवस्था कर रहे हैं हॉस्पिटल में ले जाने के लिए, और हमसे बात करते करते ठाकुर का नाम लेते लेते शरीर छोड़। अगर भगवान की सेवा अगर हम सही सही करेंगे ना, जितने सुंदर तुम ठाकुर का सेवा करोगे उतना ही संसार में फलते फूलते रहोगे। उदाहरण दिया है, जैसे अब अपना शरीर को सजाओ बढ़िया से, और शीशा के सामने खड़े हो जाओ, देखना तुम शरीर को जैसे श्रृंगार करोगे ना, वो परछाई अपने आप सज जाएगी, परछाई को सजाने का जरूरत नहीं, अपना शरीर को सजा दो परछाई अपने आप सज जाती है। तो उसी तरह जो व्यक्ति ठाकुर जी की जितने सुंदर रूप में उनका श्रृंगार करोगे, जितने बढ़िया रूप में खाना खिलाओगे, जितने अच्छी तरह से उनका सेवा पूजा करोगे ना, तुम देखना घर का दुख कष्ट अपने आप खत्म हो जाएगा, उसके घर में कोई दुख कष्ट नहीं रह सकती है, कोई दुख कष्ट, इसलिए दिया उसने, उसका ही दिया हुआ सब कुछ है ना, उसका ही दिया हुआ सब कुछ, उसने सब कुछ दिए है, जब उसी की सेवा करोगे तो संसार में हम भी फलते फूलते रहेंगे, ठीक है। और एक काम करना,
जो कुछ खाना खाना भगवान को भोग लगाने का। देखो गीता का श्लोक है, कृष्ण कहते हैं प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस उपजाय दे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे को भोग लगा करके मेरे प्रसाद खाते हैं उसका घर में कोई दुख कष्ट नहीं हो सकते, उसके घर में मां लक्ष्मी भरपूर रहेगी। क्यों? हम जो कुछ खरीदी करते हैं पैसा से, किससे करते हैं? पैसा से, पैसा लक्ष्मी, पैसा लक्ष्मी। वो लक्ष्मी जब ठाकुर का सेवा में लगती है ना, फिर तो लक्ष्मी घर में शांति सुख देती है। अगर लक्ष्मी अगर प्रभु की सेवा में नहीं लगती है, तुम्हारे घर में अरब खरब रुपया आ जाए लेकिन घर में शांति सुख नहीं देगी। क्यों? वो लक्ष्मी तुम्हारी नहीं, लक्ष्मी ठाकुर जी के हैं। लक्ष्मी तभी घर में सुख देगी जब वो लक्ष्मी भगवत सेवा में लगे। उसको तुम भोग नहीं कर सकते, लक्ष्मी को तुम भोग नहीं कर सकते, क्यों? तो वो तुम्हारी है नहीं, वो लक्ष्मी ठाकुर जी की, नारायण की है। केवल उसकी सेवा में ही शांति सुख देगी, नहीं तो पैसा आएगी लेकिन घर में शांति सुख नहीं आएगी। ये चीज को समझो। हाँ, और एक चीज समझो, कृष्ण गीता में कहते हैं भुंजन्ते तु अघम पापा जे पचन्ति आत्मकर्णा। बोले हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे लिए रसोई नहीं बनाता है, वो अपना लिए खाना बनाते हैं और मेरे को भोग लगाए बगैर खा लेते हैं, कहते भुंजन्ते तु अघम, वो केवल पाप भोजन करते हैं। लेकिन मेरे को जो दे करके खाते हैं वो अमृत भोजन करते हैं। अभी मीरा जी का भजन गा रही थी ना, मीरा जी प्रभु की भजन की, उसका पूरा परिवार विरोध हो गए और उसको राज रानी थी, आप हमारे जैसे घर की वो नहीं थी, राणा हाँ, वो राणा के राज राज रानी थी, लेकिन संतों के साथ में बैठना, भजन करना, तिलक लगाना, कंठी लगाना, भक्ति करते थे, पूरा परिवार विरोध हो गया। तो राजरानी होकर क्या करते हो, संत के साथ में डोलते रहती हो, हाँ भगवान के नाम हमारा बदनामी हो जाएगी, हाँ हमारी बदनामी हो जाएगी, इसलिए उसको मारने के लिए कोशिश किया, जहर भेज दिया पीकर मर जाए। लेकिन वो जब तक ठाकुर को नहीं देगा तो खाना ही नहीं खाती, जहर भेज दिया उसने, ठाकुर जी का अर्पण कर दिया और उसको हो गया अमृत बन गया, जहर अमृत अमृत बन गया, बस उसको पी लिया, कुछ नहीं हुआ उसको। उसके लिए सांप भेज दिया पिटरा में, डस दे उसको, है डस दे, लेकिन दिया सांप तो भेज दिया सांप, लेकिन उसे खोल दिया ना, सांप फूल की माला बन गई, सांप बन गई फूलों की माला बन गई सांप, है क्योंकि ना जिसको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बंका कर सके जो जग भय होई, है इसलिए घर में जो खाना बनेगी पहले ठाकुर जी को तुलसीदास से भोग लगा। लेकिन एक दिक्कत ये, अगर प्याज रसन खाओगे तो भोग नहीं लगा सकता, इसलिए ये चीज को छोड़ना पड़ेगा, ये चीज को नहीं ग्रहण करनी चाहिए। खाती हो ना प्याज रसन? घर में नहीं खाती हो? हरिनाम लिया हुआ है। और अब भी खाते हो? नहीं, नहीं, बेटा खा लेते हो? और बहू जी? नहीं, नहीं खाते। इतना इसको कहाँ से मिलता है? बाहर दिल्ली खाते, दिल्ली से खा लेता है। कोशिश करना जैसे इतने चीज को परहेज करने के लिए, हैं? जैसे कहीं जाओ, जैसे तक हो तुम तो भारत में जाते हो, मैं अभी यूरोप जाऊंगा कुछ दिन बाद में, मैं यूरोप जाऊंगा, ऑस्ट्रेलिया जाता हूँ, रशिया जाता हूँ, चाइना जाता हूँ, जहाँ पर तो गिरगिटी भी खाने वाले मेढक की खाने सारा दुनिया को खा लेते हैं। ऐसे कोई चीज नहीं जो चाइनीज लोग नहीं खाते, लेकिन हम लोग वहां जा करके भी परहेज करते हैं, वहां पर जा करके भी हम प्योर वेजिटेरियन वो चीज को देख करके हम खाते हैं। इसलिए भगवान को भोग लगा कर खाओगे वो चीज पवित्र हो जाती है, ठीक है ना माताओं? इसलिए कोशिश करना प्याज लहसुन को नहीं खाने के लिए। खाते हो प्याज लहसुन? खाते कौन कौन खाते हो, हाथ उठा दो, कौन कौन खाते हो? सही से बता, झूठ मत खाते। हाँ देखो, हाँ देखो, क्यों प्याज लहसुन नहीं खाते सुन लो ध्यान देकर। और भगवान को भोग नवरात्रि रखते हो क्या? नवरात्रि तो प्याज लहसुन खाते हो? बोले क्यों नहीं खाते हो बता, क्यों नहीं खाते हो? माता जी को पसंद नहीं, तभी तो नहीं खाते हो ना, माता जी को पसंद नहीं तभी तो नहीं खाते हो। क्या मैया को नौ दिन के लिए खुश रखो फिर नाराज कर खा कर? हाँ, माता जी को जो चीज पसंद नहीं हमें भी पसंद नहीं आनी चाहिए। देखो भागवत में कथा आती है, जिस समय अमृत निकला समुद्र से, अभी देवता दैत्य में लड़ाई शुरू हो गई, भगवान मोहिनी बन करके आए, बोले देखो तुम दो लाइनें होकर बैठ जाओ, तुमको मैं बैठवा दूंगी। जो उन्होंने देवताओं को दे रहे थे, एक दैत्य था स्वर्भान नामक, बोले देखा भैया लगता है कुछ गड़बड़ी है, हो ना हो इतने नया मित्र हो ना हो सब अमृत इनको ही नहीं पिला दे। उसने क्या किया, चंद्र सूर्य को बीच में बैठ गया, बैठ करके जब
अमृत पिला रहे थे वो भी अमृत पी लिया। चंद्र सूर्य ने इशारा की, बोले प्रभु ये देवता नहीं ये दैत्य है, इसने धोखे दे करके अमृत पी लिया। भगवान चक्र को बुलाया, उसका गला काट दिए। जब गला काट दिए जहां पर उसकी मांस गिर पड़ा वहीं पर ये प्याज की पौधा हुई। देखना मांस जैसे लाल लाल रंग के, ये प्याज भी लाल लाल रंग की। जैसे मांस सड़ जाए बदबू आती है, अब कच्चा प्याज का मुंह से तुम्हारी बदबू आएगी। अगर यहाँ प्याज कटेगा ना पूरा पता चलेगा, नहीं प्याज कट रही है, नहीं प्याज कट रही है। छोंक मारो देखना घर में बदबू बदबू फैली जाती है, है? इसलिए अमेरिका में अगर कोई पायलट प्याज खा लेगा ना तो इतने जल्दी उसको 20 दिन तक प्लेन उड़ाने नहीं देते। इतना जल्दी उसको दिमाग में चढ़ जाती है, 20 दिन तक उसको प्लेन उड़ने नहीं देते वहां पर। और रिसर्च करके देखा उसमें 20 तरह का पैजन उसके अंदर में है। इसलिए जहां पर उसकी हड्डी गिर पड़ा वहां पर लहसुन की पौधा हुई, जहां पर उसका खून गिर पड़ा वहां पर मसूर डाल हो गया। आप लोग देख लेना, अपना घर में देखना, तुम्हारी मैया को देखना, ये तीन चीज कोई हिंदू लोग घर में नहीं घुसाया करते थे। पहले किसी हिंदू घर में नहीं आता था, क्यों? हर हिंदू पहले ठाकुर जी को भोग लगा करके ही खाना खाते थे। हर हिंदू, तुम्हारी मैया को देख लो, तुम्हारी मैया को देख लो, घर घर में ठाकुर को भोग पूजा रामायण भागवत यही पढ़ा करते थे। करते कि नहीं, यही करते थे। इसलिए घर में कोई इस चीज को घुसाना नहीं चाहते थे। अभी कलयुग प्रभाव से धीरे 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 एक एक करके खाना शुरू कर दिया, लेकिन ये चीज अपवित्र वस्तु की चीज है। इसलिए कोशिश करना शुद्ध रूप में बनाओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ, है प्रसाद हो गया, बच्चों को खिलाओ, बच्चियों को खिलाओ। अब देखना जिस घर में ठाकुर जी के प्रसाद खाएंगे ना, देखो ये गीता का श्लोक है, कृष्ण खुद गए थे, संस्कृत समझते हो? देखो कहते प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्य उपजायते। कृष्ण कहते हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे को भोग लगा करके खाना खाते हैं घर का सारे दुख कष्ट उसका दूर हो जाता है। ये भगवान खुद गए, सर्व दुख उसकी घर की नष्ट हो जाती है, ठीक है ना? ठाकुर जी को बढ़िया से सेवा करना, ठाकुर जी को पूजा करना, देखना जितने ठाकुर को सेवा पूजा करोगे घर में इतना शांति सुख घर में उतना मंगल होगा, ठीक है ना बच्चा? इसलिए सबके सब ठाकुर को। और एक काम करना, हमारे संत लोग कहते हैं अगर आप अमेरिका जाना चाहते हो नहीं तो यूरोप जाना चाहते हो, आपके पास में तीन चीज की जरूरत है। अब बता सकते हो तीन चीज ऐसे क्या है जो कि तुम अगर तीन चीज तुम्हारे पास में हो विदेश जा सकते हो? बाबा बताओ क्या चीज, तीन चीज होनी चाहिए। टिकट ये तीन चीज होनी चाहिए। पहला नंबर पासपोर्ट होनी चाहिए, दूसरे नंबर में वीजा होनी चाहिए, तीसरे नंबर में टिकट होनी चाहिए, तो तुम विदेश जा सकते हो। कहते उसी तरह इसी दुनिया में अगर ये तीन चीज नहीं हो ना हम नहीं जा सकते हो। कहते उसी तरह अगर हम भगवान को पास में जाना चाहते हैं, ठाकुर जी को घर में जाना चाहते हैं, अपना घर में वापस जाना चाहते हैं, हमारे पास में भी तीन चीज होनी चाहिए। पहला नंबर होनी चाहिए पासपोर्ट। बोले ये पासपोर्ट किया, बोले गले में तुलसी की कंठी हो, गले में तुलसी की कंठी पहला नंबर है। देखना अगर कोई व्यक्ति गले में कंठी पहना हुआ है ना, हमको क्या पता चलता है भैया ठाकुर को भक्ति करने वाले, भगवान की भजन करते हैं, है? और ये जो गले में तुलसी कंठी है ना, ये पवित्र वस्तु है। जब हमारे बड़े गुरुजी अमेरिका में गए प्रचार करने के लिए, अमेरिका में बोले भैया गले में कंठी पहनो, बोले क्यों लकड़ी क्यों पहनेंगे, हमारे पास वो सोने चांदी हम पहनेंगे, हमारे पास में क्या सोने चांदी कमी है, हम ये लकड़ी क्यों पहनेंगे? तब हमारे बड़े गुरुजी ने हमारे वेद पुराण उपनिषद से श्लोकों को उठा उठा कर बोले, बोले ये लकड़ी नहीं है, इसमें बहुत कुछ मेडिसिन इसके अंदर में। उन्होंने जब बताया आप तुलसी की महिमा, तब अमेरिका में रिसर्च किया, बोले ये हिंदू लोग तो पेड़ पूजा क्यों करते हैं, तुलसी तो पेड़ है ना, देना हम उसको पूजा करते हैं, तुलसी की परिक्रमा करते हैं, पानी देते हैं। बोले भैया हिंदू लोग तो पेड़ पूजा क्यों करते हैं? उन लोगों ने अमेरिका में रिसर्च करके देखा पृथ्वी में सबसे ज्यादा अगर कहीं मेडिसिन है ये तुलसी वृक्ष। अब आज कोई एक मेडिसिन ढूंढना, अब जाकर के मेडिसिन शॉप से आप बताना तुलसी पावर है आपके पास, आप पूछना, देखना इतना बड़ा बोतल देखा आपको इतना, और उसके साथ में एक पेपर उसका अंदर होगा, पेपर को पढ़ कर देखना, कहते रोज रोज दो दो तुलसी पत्ता कोई खाए ना
कभी उसको टीबी कैंसर कभी जिंदगी में नहीं होगी, कभी टीबी कैंसर नहीं होगी, उसमें 200 बीमारी का नाम लिखा हुआ है। ऐसे कोई बीमारी नहीं जो कि ये तुलसी जूस से खत्म नहीं होगा। इसलिए पातंजलि में जाकर देखना, बोतल में देखना तुलसी है, पेट को साफ कैसे करेगा, तुम्हारी हेल्थ कैसे सही रहेगा, उसमें देखना वहां पर भी तुलसी की है जूस भी वहां पर भी बिकती है। इसलिए गले में तुलसी कहती मतलब क्या हो गया बताओ, सारे मेडिसिन आ गया तुम्हारी गले में, सारे मेडिसिन। अब तो हिंदू है, ये तुलसी नहीं है लक्ष्मी, देखना सालग्राम के साथ में शादी होती है, क्यों तुलसी लक्ष्मी, गले में कंठी मतलब कौन आ गया, माँ लक्ष्मी की निवास। तीसरी चीज क्या है, जब भगवान ये दुनिया छोड़ कर गए, कहते अपने आप कहाँ छोड़ कर गए, अपने आप को तुलसी वृक्ष। हम कहते ना वृंदावन चलो बांके बिहारी, बोले क्यों वहां क्यों बांके बिहारी, बोले वृंदावन, वृंदा मतलब तुलसी, वन मतलब वन तुलसी का वन जहाँ पर हुए ठाकुर। अगर आपके घर में तुलसी वृक्ष है तो ठाकुर जी तुम्हारे घर में ही ठाकुर का निवास हो जाती है। गले में कंठी मतलब कौन कौन आ गए, माँ लक्ष्मी आ गए, नारायण आ गए, ठाकुर दोनों दोनों आ गए। हाँ देखो हम इसको गले में क्यों पहनते, इसमें क्या साइंस, देखो कितना बड़ा साइंस है। कहते शरीर का जो सबसे कोमल अंग ये कंठ, किसी व्यक्ति को मारना हो ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं, बस इतना दबा तो खत्म हो जाए। इसलिए जब शरीर में कोई गंदी चीज प्रवेश करता है इधर से, बच्चों को ताबीज कहाँ पहनाते, कंठ। अब मुसलमान देखो, क्रिश्चियन देखो, हर मुसलमान देखना गले में काला धागा पहनते हो, क्रिश्चियन को देखो वो भी क्रस पहनते, अरे हिंदुओं को तो कहते ना गला खाली मत रखो, गले में कुछ पहना करो, क्यों कोई गंदी चीज अंदर में नहीं जाए। बताओ ये तुलसी में कौन कौन, सारे मेडिसिन आ गए, लक्ष्मी आ गई, भगवान आ गए, ठाकुर जी। अगर गले में तुलसी कंठी होना, कोई भी अपदेवता, कोई भी उल्टा पुल्टा हवा, कोई भी गंदी चीज आपका अंदर में प्रवेश नहीं करेगा, ये आपको प्रोटेक्ट करता है, ये कवच जैसे प्रोटेक्ट करता है तुलसी। हैं वृंदावन गए हो, कौन कौन गए, आप देखना वहाँ के अंग्रेजी मंदिर को देखना, वो अंग्रेजी मंदिर में देखना, हम तो भारत गए, देखना वो अंग्रेजी मंदिर में अमेरिका, लंदन, फ्रांस, जर्मनी, हम तो इतने पतले पतले तुलसी, वो इतने मोटे मोटे तुलसी कट्टी पहनते। हम तो भारतीय, हम हमारा संस्कृति है पूर्वजों का, हम तो विश्वास, वो लोग ऐसे विश्वास करने वाले नहीं, जब तक कोई चीज को साइंटिफिक रूप में वो चीज को नहीं देखते ना तब तक पहनते नहीं, ठीक है ना। और देखो जब महाराज दूतों को कहते हैं, बोले देखो जो प्रभु की भक्ति करते है ना मेरे पास में मत लाना, बोले पता कैसे चलेगा कौन भक्ति करता है नहीं करता, पता कैसे चलेगा, बोले देखे दो दो तरह के कुत्ते होते हैं, कितने तरह के, दो तरह के, कहते हैं एक पालतू कुत्ता और एक फालतू कुत्ता। जो पालतू कुत्ता देखना गले में पट्टा बंधा हुआ रहता है, देखने से पता चलता है किसी घर की, और जो फालतू कुत्ते बिना पट्टे के जो रोड में घूमते हैं, देखना पालतू को कोई मारता नहीं और फालतू को कोई छोड़ता नहीं, पालतू को कोई मारेगा नहीं और फालतू को कोई, अगर गले में तुलसी कंठी है तो हम ठाकुर जी की क्या है, फालतू है भगवान की, ठीक है ना। हमें फालतू नहीं बननी चाहिए, क्या बननी चाहिए, भगवान की फालतू बननी चाहिए। तो जमदूत कभी भी तुम्हारे पास में नहीं आएगा, हैं देख लेगा करती है ना, दूर से प्रणाम कर लेगा, ठीक है ना। सबके सब गले में तुलसी माला धारण करो। जो तीसरी दूसरी चीज है कहते भीजा होनी चाहिए, बोले भीजा क्या, बोले तिलक लगानी चाहिए, हैं तिलक की बड़ी महत्व। अब तो हिंदू है आपको पता होगा, जैसे कोई अच्छे बिजनेस जाता है ना कोई बढ़िया, हम तिलक लगा कर भेजते हैं, जाओ तुम्हारी काम बन जाए, हाँ ये विजय का, युद्ध करने के लिए कहीं अच्छे बिजनेस के लिए जाते तिलक लगा कर जाते, मतलब अगर तिलक लगा कर जाओगे तो तुम्हारी काम जरूर बनेगा, है। इसलिए देखना घर में जब पुजारी पूजा कराने के लिए आएगा, बगैर तिलक के पूजा नहीं करवाएगा, पहले तिलक लगाएगा फिर आपकी पूजा करता। और ये गोपियों की चरणा धूली है, अब भगवान राम को देखना तिलक है, हनुमान जी को देखना तिलक है, बांके बिहारी को देखना तिलक है, नारायण को देखा तिलक, भगवान के भी कहीं कहीं किसी देवता को देख लोगे ना, बगैर तिलक के ठाकुर जी नहीं रहते। दो चीजें होगी, और जो तीसरी चीज है कहते जो टिकट होनी चाहिए, बोले टिकट क्या है, बोले भगवान के नाम, ठाकुर जी की नाम। इसलिए मीरा कहती है ना पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, देखना जिंदगी भर जो कुछ करना कर लो, लेकिन जब अंतिम समय आता है ना, शरीर जब छूटता है, जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाते, सुने हो क्या बोलते बोलते ले जाते क्या बोलते हैं,
वो यही बोलते हैं ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा। मतलब क्या? बोले बेटा जितने तुमने प्रभु का नाम लिए हो, भगवान की भक्ति की, वही तेरे साथ जा रहा है, सब कोई बात झूठा है, और जो कुछ तुमने किए सब झूठा में बिताया, एक सुई धागा तेरे साथ नहीं जा रही, पत्नी रो रो कर दरवाजा तक चलेगी उसको आगे नहीं चलेगी, परिवार शमशान तक चलेगी उसका आगे कोई नहीं चलने वाले, उसका आगे क्या चलेगी? मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, बस तू अमोल को दी मरे सदगुरु, कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन। कहते जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो, पायो जी मैंने। इसलिए दूसरे भजन में गाती है, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आप आज लगाओ गली गली, राम नाम के हीरे मोती में बिखराओ गली गली। और जिन जिन ने यह मोती लूटे वो सब माला माल हुए, और माया के जो बने पुजारी आखिरी वो कंगाल हुए। इसलिए जो असली धन है ठाकुर जी की नाम धन है, यही केवल साथ में जाएगा, ठीक है ना बाबा। इसलिए सवेरे उठ करके, सवेरे उठ करके थोड़ी समय भगवान के लिए, ठाकुर जी के लिए, सारे काम को पीछे रखो, नहा धो करके ठाकुर को सामने बैठो, बैठ करके जो माला है ना ठाकुर जी के लिए थोड़ा माला जप करो, 10 मिनट दो, ठीक है ना। माला जप करते हैं? नहीं करते हैं। माला जप करते हो? करते हो माला जप करते हो? नहीं, कभी कभी नहीं, रोज रोज करते हैं। पूजा करते हैं, पूजा करते अच्छी बात, लेकिन भगवान की, क्योंकि कलयुग में जो है ना, बोले कलयुग के बोले नाम आधारा और सुमेरी सुमेरी नरा उतरे, कलयुग में प्रभु का नाम ही एक सहारा है, केवल यही नाम धन ही साथ में जाएगा। हैं, देखो हमारे गुरु जी कहते जैसे ये फैन चलती है, लाइट चलती है, इसका बिल भरते कि नहीं भरते, कि नहीं बिल? अगर 2-4 महीना नहीं भरते क्या होगा? लाइट गिर जाएगी। इसकी अगर बिल भरते हो, लेकिन 3 में जो इतना बड़ा लाइट दिया जिसने, ये हवा दिया है, हवा अगर 5 मिनट भगवान बंद करते ना, हमारा सबका हवा बंद हो जाएगी। हैं, तो उसके लिए कुछ करते हो? उसके लिए कुछ करते ही नहीं, उसके लिए कुछ नहीं करते हैं। इसलिए उनके लिए भी कुछ करना चाहिए, जिसने हमें जीवन दिया, घर मकान दुकान सब ठाकुर ने दिया। इसलिए हमारे श्री सूरदास जी कहते हैं, जिनी तनु तही ताही विसराई, कहीं से नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खलका। जिसने तुमने ये शरीर दिया है, कहते एक आंख देने से काम चलता, लेकिन ठाकुर जी 2 आंख, एक हाथ से काम चल सकता था, ठाकुर जी 2 हाथ देते थे, एक किडनी से काम चल सकता था, लेकिन ठाकुर जी 2 देते थे, अगर एक खराब हो जाएगा तो दूसरे से ये काम चला सकता है। फिर जिसने सब कुछ दिया उसके लिए तो कुछ करते नहीं। अगर कोई जीवन में 100 रुपया दे देना, जिंदगी भर याद रखे, भैया 100 रुपया दिया था, हमारी विपत्ति समय में 100 रुपया दिया था, है ना। लेकिन जिसने हमें सब कुछ दे दिया, ठीक है ना बच्चे। इसलिए सवेरे नहा धो करके थोड़ी समय ठाकुर के लिए दिया करो, केवल एक माला जप करो। देखो कैसे माला जप करोगे, हम तुमको दिखा देते हैं। हाँ देखो, आप लोग तो कुछ कुछ नई नई गोभी आई हो, चैतन्य महाप्रभु का नाम सुने हो? चैतन्य महाप्रभु एक समय आप लोग सुने नहीं होगी, एक समय उनको भक्तों ने निमंत्रण दिया, बोले प्रभु हमारे घर में खाना है। भगवान बोले देखो सबके घर में खाना नहीं खाता हूँ। बोले किसको घर में खाना खाते हो? बोले जो लखपति बनेगा। आज से 5.5 साल पहले लखपति साधारण बात नहीं था, जिसको घर में 1 लाख स्वर्ण मोहर हो, भक्त लोग तो दुखी हो गए, हमारे घर में 100 रुपया तक भी नहीं, ये तो कह रहे 1 लाख स्वर्ण मोहर होनी चाहिए। बोले प्रभु धाम कभी लखपति बन ही नहीं सकते, अरे हमारे घर में क्या खाना नहीं खाओगे? देखो भगवान क्या कहते हैं, समझाए। बोले जानते हो असली लखपति कौन है? बोले कौन है? बोले रोजाना जो 1 लाख ठाकुर जी के नाम जप करते हो, ये असली लखपति है। इसलिए मीरा कहती है, जिन जिनने यह मोती लूटे वो सब माला माल हुए। बोले कौन कौन? बोले तुलसी मीरा और नरसिका। देखो जिनका नाम कब आए थे, अभी भी जिनका नाम जगत में अजर अमर हो गया, अभी भी इनका नाम जगत में अमर हो गया है। इसलिए असली जो धन है भगवान के नाम धन है। देखो अब कुछ दिन पहले अमिताभ बच्चन का नाम सुने हो? अमिताभ बच्चन का नाम सुने हो? सब तो जानते हो। वो बोलता था कौन करोड़पति बनेगा, करोड़पति कौन बनेगा? करोड़पति आते थे ना। इसलिए यहाँ पर ठाकुर जी कहते कौन बनेगा? लखपति। अब देखो लखपति कैसे बनते, देखो ये माला है, इसमें 108 मोती है,
जब माला जप करते समय ना ये अंगुल को टच नहीं कराते, ये बीच वाला अंगुल में रखते, देख लो इस माला जप करोगे जैसे हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोल करते ना एक माला सरकाते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। दो मोती इसमें 108 मोती, देखो 1,00,000 कैसे होता है, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये 16 बार हो गया, केवल एक मोती सरकाने पर 16 बार हो गया, इसमें 108 मोती है। जब यहाँ पर खत्म हो जाता है ना, फिर इसको पार नहीं करके फिर घुमा कर दूसरे तरफ से करते, अगर उसका 16 माला कर लिया ना वो हो जाता है 25,000, अगर किसने 64 माला कर लिया हो गया 1,00,000। भगवान कहते 1,00,000 नाम नहीं किया, आज तुम्हारे नाम पर बैंक में 1,00,000 रुपया फिक्स डिपोजिट होगी, भगवान खुद कहते हैं 1,00,000 रुपया फिक्स डिपोजिट होगी। लेकिन ये जगत का पैसा कमाते कमाते शरीर छूट जाए, यहाँ से सुविधा का ले सकते हो, सब यही छोड़ कर जाना पड़ेगा। लेकिन भगवान कहते हैं अगर ये धन को तुमने जमा किया ना, बस पूरा के पूरा साथ साथ चलेगा, ये धन तुम्हारी अगली जीवन में उतना नहीं ब्याज समेत, इसलिए मीरा कहती है दीन दीन बड़त सबायो पायो ही मैंने राम रतन धन बाई। आज अगर 1,00,000 नाम किया ना, वो कहते कल तुमको 1,25,000 मिलेगी और 4 दिन में डबल, 4 दिन में डबल 2,00,000 हो जाएगी। हाँ, ये माल इतने तेजी से ये तेज बढ़ती है, और यही धरनी है अगले जीवन में पूरा के पूरा जीवन में तुम्हें प्राप्त होगी, ठीक है ना बाबा। इसलिए मैं एक आप हो तो मंदिर में आ जाना, हम एक दिन माला देते, ठीक है। ये माला को लेकर के जैसे नहा धो करके स्नान करके थोड़ी समय ठाकुर के पास में बैठ जाना, बैठ करके कम से कम एक माला जप करके जाओ, आप देखना घर में एक माला अगर प्रभु का जप करके जाओगे ना, मन को कितने शांति मिलेगी, आप स्वयं चीज देखोगे। केवल जितने समय आप प्रभु के भजन में मन लगाओगे ना, उतना समय ही चैन मिलेगा, उसके बाद में मन केवल प्रभु से हटाओ, अरे बेचैन सी ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये काम देखना, मन जैसे देखो इसका प्रमाण देख लो, जैसे यहाँ बैठे हो आधा घंटा से बैठे हो, जितने भी हम संसार में सब दुखी है, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई पत्नी से दुखी, कोई पितामह से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, कोई काम से दुखी। लेकिन एक चीज को देखो, यहाँ आधा घंटा से बैठे हो, आपका मन में कोई दुख है? सारे दुख को भूल कर यहाँ बैठे हो, क्योंकि प्रभु की चर्चा सुन रहे हैं ना, प्रभु की कथा सुन रहे हो, सारे भूल को हम बैठे कर रहे, केवल कथा से बाहर निकलो, अरे ये होना चाहिए, ये नहीं हुआ, ये हो नहीं, देखना दिमाग घूमना शुरू हो जाएगी। अब देखना स्वयं देख लेना, जितना समय प्रभु को भजन में बैठोगे ना, उतना समय मन को चैन मिलेगी। इसलिए कहते ना, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहे हैं और तेरी कृपा से सारे ये चीज को विश्वास करनी चाहिए। लेकिन हम क्या सोचते हैं, नहीं ये काम करना माला के लिए समय का नहीं, जब भगवान की भजन करोगे, भगवान कहते ना मेरे तरफ में 1 कदम बढ़ो मैं 10 कदम बढ़ूंगा, मेरे तरफ में 1 कदम बढ़ो मैं 10 कदम, हम 1 कदम बढ़े तभी तो 10 कदम ठाकुर जी बढ़ेंगे। इसलिए आप देखना ठाकुर जी को भजन करोगे ना, नरसिंह भगत का नाम सुने हो, सुने नरसिंह भक्त का, वो 3 बार भजन करता था, उसके घर में एक बेटी थी, मैं बेटी को शादी कौन करवाएगा, तो 3 बार हरी हरी करता है, वो 3 बार तो प्रभु का भजन, उसको बेटी को कौन शादी करवाएगा, कृष्ण स्वयं साबरिया सेठ बन करके जाते हैं, भात भरने के लिए ठाकुर जी स्वयं जाते हैं, और ऐसे शादी कराते ना करोड़पति भी शादी नहीं करा सकते, ऐसे भगवान शादी कराया। जब प्रभु की हम भक्ति करने लग जाएंगे, ठाकुर जी को चिंता लग जाएगी, बोले इसका काम को कौन करेगा, वो तो मेरा भजन कर रहा है, भगवान फिर तुम काम कर, तुम्हारे काम को ठाकुर जी को करना पड़ जाएगा। मतलब ऐसे एक हरनाई था, वो बड़ा संत से भी है, वो क्या करता था, दुर्योधन की उसका रोज काम था, दुर्योधन के शरीर में तेल लगाना और उसको स्नान कराना, उसको मालिश करना हरनाई। लेकिन उधर था संत से भी, संतों की बड़ी सेवा करता था, घर में साधु लोग आ गए, सोचने पड़ेगा अभी क्या करें, अगर दुर्योधन की सेवा में नहीं जाओ, वो दुष्ट है, नौकरी से निकाल सकता है, पर घर में संत लोग आए हैं और संतों का हृदय में ठाकुर का निवास है, पर ठाकुर का सेवा मेरी छूट जाएगी, संत सेवा, बोले दुर्योधन का तो सेवा करता हूँ छोड़ो, संतो सेवा करते हैं, और ठाकुर संतों की सेवा में लग गया, उनके लिए खाना बनाना, उनके लिए भोजन करवाना। भगवान ने सोचने लग गए, भैया अभी उधर क्या होगा, दुर्योधन तो दुष्ट है, उसको निकाल सकता है,
भगवान स्वयं और हरिनाय का रूप धारण कर लिया और दुर्योधन की उन्होंने सेवा की जाते जो उसका शरीर में तेल लगा रहे थे ना, भगवान तेल लगा रहे थे, उसका तो रोम रोम खिल रहा था, आंखों से आंसुओं की झरी बह रही थी। बोले तेरे हाथ में कोई जादू है ना क्या, जब तुम मेरे शरीर को स्पर्श करते हो पता नहीं मेरे हृदय में इतना आनंद रोम रोम क्यों खिल रहा है, क्यों वो कौन थे? और ठाकुर जी स्वयं सेवा कर रहे थे, वो इतने खुश हो गया, बोले जीवन में इतना आनंद आज मिला, मेरे गले की हार कीमती हार निकाल कर गले में पहना दिया। इतने में हरनाय तो ठाकुर को सेवा करके संतों की सेवा करके जब वापस आया सोचा कोई दंड फंड मिलेगा, इतने में कहा देखो घर में साधु लोग आ गए थे उनकी सेवा करते करते देर हो गया, माफ कर दो। बोले क्यों, आज तुमने इतने सेवा की तभी तो तेरे गले में हार दिया। बोले कौन सा हार दिया है, बोले नहीं उसको पता नहीं उसको गले में हार आ गया, पहना है तो भगवान लेकिन हार आ गया उसकी गले में। बोले भैया कौन सा हार है, नहीं मतलब आज आ नहीं पाया। बोले ओ इतने कीमती हार दे दे ना सिद्धू एट रहे हो, उसको गले से हार पकड़ कर छीन लिए। बोले भैया गले में हार कहाँ से आ गया, अरे घर में तो हार नहीं था। अरे तो समझ गए, अरे आज हमने संतों की सेवा की ना, संतों की सेवा इसलिए भगवान आज मेरे रूप धारण करते हुए इसकी सेवा, ठीक है ना। भगवान की भजन करो देखना घर में शांति सुख और सारे काम अपने आप ठाकुर जी करते रहे, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल से प्रभु जी अब तक कुछ करा नहीं, 2 बजे सुनो तो 5 मिनट 10 मिनट सभा शुरू करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 यहाँ आने का उद्देश्य क्या है, संतों को घर में बुलाने का उद्देश्य यही है कि हमारी जो श्रद्धा है वो दृढ़ हो और श्रद्धा धीरे 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 हमारी प्रगाढ़ होते हुए उस प्रेम को राधा कृष्ण के चरणों की प्रीति को प्राप्त कर सके। तो एक पंचतंत्र एक बहुत अच्छा बच्चों के लिए ऋषि मुनियों ने जो है पुस्तक बनाई है, उसमें एक छोटी सी कथा आती है, उसमें बताया कि एक बकरी अपने झुंड से अलग होकर के विचरण करने लगी, घास खाते खाते कोमल कोमल घासों को खाने के लिए वो अलग हो गई और संध्या हो गई। संध्या होते होते उसने देखा कि मेरे आसपास सारी जो बकरियां हैं वो सब चली गई घर को, गांव चली गई लौट करके और मैं इधर अलग थलग पड़ के रह गई। अब बड़ी घबरा गई कि शाम को कई प्रकार के जानवर हैं इधर, भेड़िया इत्यादि शेर इत्यादि कोई भी आकर मुझे खा जाएगा। तो